साइन जीरो की वैल्यू हो गई जीरो, तो यहां पर बाई सीमा का मान आ गया जीरो। अब देखिए दोस्तों, आप गौर से देखिए, एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान कितना आया जीरो, दाई सीमा का मान कितना आया जीरो, बाई सीमा का मान कितना आया जीरो। तो आप देख सकते हो तीनों के लिए मान जीरो आ रहा है, मतलब समान आ रहा है। चूंकि चूंकि देखिए, चूंकि एफ जीरो बराबर दाई सीमा बराबर बाई सीमा, आप देख सकते हो चूंकि एफ जीरो बराबर दाई सीमा बराबर बाई सीमा, इसीलिए x बराबर जीरो पर फलन संतत है, x बराबर जीरो पर फलन संतत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले का ई क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर में दिया हुआ है cos 1 अपॉन x, ये फलन हमें तब पढ़ना है जब x का मान जीरो के बराबर नहीं होता है। तो x का मान जीरो के बराबर नहीं होने का मतलब क्या हुआ, या तो x का मान जीरो से बड़ा होगा या x का मान जीरो से छोटा होगा। तो जब x का मान जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा होता है तब हम फलन ये वाला पढ़ते हैं, लेकिन जब x का मान जीरो के बराबर होता है तब हम फलन ये वाला पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमें x बराबर जीरो पर संततता की जांच करनी है। तो संततता की जांच करने के लिए हम कितने बिंदु ज्ञात करते हैं, तीन बिंदु ज्ञात करते हैं। पहला बिंदु क्या ज्ञात करेंगे, x बराबर जीरो पर फलन का मान f जीरो। दूसरा बिंदु क्या ज्ञात करेंगे, दाई सीमा। क्या ज्ञात करेंगे, दाई सीमा। दाई सीमा में आप क्या निकालोगे, लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो प्लस h। और तीसरा बिंदु क्या निकालोगे आप, बाई सीमा। तीसरा बिंदु क्या निकालोगे, बाई सीमा। और बाई सीमा का मान क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस h। देखिए तो सबसे पहला बिंदु हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहला बिंदु हम ज्ञात करेंगे x बराबर जीरो पर फलन का मान। तो f जीरो का मान देखिए, तो f जीरो मतलब जहां x जीरो के बराबर, देखिए दोस्तों x बराबर जीरो पर फलन का मान क्या दे रखा है, तो f जीरो का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x बराबर जीरो पर फलन का मान क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। तो सीधा सीधा f जीरो का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम दूसरा बिंदु ज्ञात करेंगे, दाई सीमा। दूसरा बिंदु क्या ज्ञात करेंगे, दाई सीमा। दाई सीमा में देखिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। अब आप देखिए दोस्तों, जीरो में कुछ जुड़ रहा है, तो जीरो में कुछ जुड़ने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि फलन जीरो से बड़ा है, एक्स का मान जीरो से बड़ा है। तो एक्स का मान जीरो से बड़ा होने का मतलब हुआ, या ये वाला फलन काम में लेंगे दोस्तों, इसका मतलब यही समझाया था मैंने, या तो x जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो x जीरो से बड़ा होगा या x जीरो से छोटा होगा। तो दोनों ही कंडीशंस में हमें ये वाला फलन काम में लेना है। तो देखिए दोस्तों, लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस h का मान कितना होता है दोस्तों, h ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, cos x के स्थान पर आप क्या रख दोगे, जीरो प्लस h, मतलब h ही आ जाएगा, cos 1 अपॉन h। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ सॉल्व करने को कुछ है नहीं, तो जब नहीं है तो आप सीधा क्या रखोगे, आप लिमिट रखोगे। लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, देखो cos 1 अपॉन 0 और इसके अंदर आएगा cos इन्फिनिटी। अब देखिए दोस्तों, आप जानते हो यहां पर कुछ भी आए, cos का जो सबसे न्यूनतम मान होता है, cos का जो सबसे, अब देखो इसका मान आप निर्धारित नहीं कर सकते दोस्तों, cos इन्फिनिटी का मान आप निर्धारण नहीं कर सकते। तो इसका मान कुछ भी हो सकता है, हमें पहली बात हम इन्फिनिटी का मान ही नहीं जानते, इन्फिनिटी एक अपरिभाषित मान होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कॉस का इसका मान नहीं निकाल पा सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा वो माइनस एक से प्लस एक के मध्य कोई भी परिमित मान होगा, कोई भी एक परिमित मान होगा। यह मैं कैसे कह रहा हूं, देखिए दोस्तों, आप जानते हो कॉस का सबसे छोटा मान माइनस एक होता है और सबसे बड़ा मान प्लस का एक होता है। बाकी जो कॉस के और मान होते हैं वो माइनस एक से एक के बीच के में होते हैं, तो इससे तो कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, होगा तो इनके बीच में होगा, हाँ या ना, ऑब्वियस सी बात है, तो इनके बीच में होगा।
तो बीच में वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। देखिए तो इसका मान आप निर्धारण नहीं कर सकते, तो आप ये लिख के इसमें छोड़ सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे बाई सीमा, नंबर तीन बाई सीमा। तो x बराबर तीन पर बाई सीमा देखिए, लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस h। तो देखिए जीरो माइनस h का मतलब क्या हुआ, जीरो में से कुछ कम हो रहा है, तो जीरो में से कुछ कम होने का मतलब देखिए दोस्तों ये वाला फलन काम में लेंगे, क्योंकि यहां पर मैंने अभी आपको बताया जहां फलन जीरो के बराबर नहीं हो इसका मतलब x का मान या तो जीरो से बड़ा हो या जीरो से छोटा हो। तो यहां फलन जीरो से छोटा है तो छोटे के लिए यही फलन पढ़ना है cos 1 अपॉन देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो cos 1 अपॉन देखिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे, जीरो माइनस h, और जीरो माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस h ही हो जाएगा। जीरो माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस h ही हो जाएगा। आप जानते हो cos क्या करता है, माइनस को खत्म कर देता है, तो अगले स्टेप में ये माइनस हट जाएगा तो ये हो जाएगा cos 1 अपॉन h, cos 1 अपॉन h। अब देखिए दोस्तों अब ये सवाल बिल्कुल इसी की तरह हो गया, यहाँ से आप देख सकते हो अब हम जब इसमें लिमिट रखेंगे तो कुल मिला के वही cos 1 अपॉन 0 बनेगा, cos के अंदर इन्फिनिटी आएगा और अंत में हम क्या लिखेंगे, माइनस एक से एक के मध्य कोई परिमित मान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका एक बार, फिर समझाते हैं आगे। हाँ भाई आगे देखिए, देखिए दोस्तों भाई हमें जांच करनी है, तो हमने तीनों बिंदु पर मान निकाल लिए हैं। मान निकालने के बाद देखिए f0 का मान कितना आया था दोस्तों, f0 का मान 0 है, दाई सीमा का मान नहीं पता क्योंकि माइनस एक से एक के बीच में कोई भी परिमित मान, माइनस एक से एक के बीच में आप जानते हो दोस्तों अनंत संख्याएं होती हैं, तो हम नहीं निर्धारित कर सकते कि कौन सी संख्या होगी। इसी प्रकार यहां पर भी माइनस एक से एक के बीच में अनंत मान होते हैं, तो हम यह निर्धारण नहीं कर सकते कि वो संख्या क्या होगी। हो सकता हो यहां आ जाए जीरो, यहां आ जाए 0.1, तो वो होने को तो दोनों ही माइनस एक से एक के बीच में परिमित मान ही है, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि यहां से मान क्या मिलेगा और यहां से मान क्या मिलेगा। तो देखिए अंत में चूंकि f0 डज नॉट इक्वल टू दाई सीमा, डज नॉट इक्वल टू बाई सीमा, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। तो x बराबर 0 पर फलन क्या नहीं हुआ, संतत नहीं होगा, लिख लीजिए दोस्तों। वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है आपकी कक्षा 12 की क्लास मैथ में। देखिए दोस्तों उस दिन हमने लास्ट एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 4 किया था, आज हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे संतता पर आधारित। देखिए 6.1 में, एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर एक का सी देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सी क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर में 1 प्लस एक्स तब है जब x इज लेस देन इक्वल टू 3, जब x का मान 3 से छोटा या 3 के बराबर हो। दूसरा फलन 7 माइनस एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन 3। क्या पूछ रहा है इसमें, x बराबर 3 पर हमें सांत्यता की जांच करनी है। तो क्या करना है दोस्तों इसमें, हमें x बराबर 3 पर सांत्यता की जांच करनी है। तो देखिए दोस्तों सांत्यता की जांच करने के लिए हम मुख्य रूप से तीन बिंदु पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे हम x बराबर 3 पर फलन का मान मतलब f 3। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, x बराबर 3 पर फलन का मान f 3। दूसरा बिंदु हम क्या ज्ञात करेंगे, x बराबर 3 पर दाई सीमा। क्या निकालेंगे दोस्तों, x बराबर 3 पर दाई सीमा। दाई सीमा में हम क्या निकालते हैं, लिमिट
एच टेंस टू जीरो एफ। आपको याद होगा दोस्तों मैंने यहाँ पर a प्लस एच लिखा था, लेकिन वो x बराबर a पर था। अब यहाँ पर हम कौन सा बिंदु पढ़ रहे हैं, तीन पढ़ रहे हैं, x बराबर तीन, तो लिखेंगे तीन प्लस एच। तीसरा बिंदु क्या निकालेंगे हम, बाई सीमा, x बराबर तीन पर हम क्या निकालेंगे, बाई सीमा, और बाई सीमा में हम क्या निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो f तीन माइनस एच। आपको याद होगा मैंने यहाँ पर a माइनस एच लिखा था, चूंकि ये x बराबर तीन पर जांच कर रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे f तीन माइनस एच। देखिए दोस्तों आगे, अब हम इन बिंदुओं को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x बराबर तीन पर f तीन, x बराबर तीन पर f तीन मतलब फलन का मान। तो देखिए दोस्तों x बराबर तीन के लिए फलन कौन सा पढ़ना है, यहां पर दो फलन है, एक फलन है वन प्लस एक्स, दूसरा फलन है सात माइनस एक्स। तो देखेंगे दोस्तों कि x बराबर तीन के लिए फलन कौन सा पढ़े। देखो यहां पर आप गौर से देखो तो यहां पर बराबर का साइन लगाया हुआ है, तो x बराबर है तीन का, x बराबर है तीन के, तो इसका मतलब ये हुआ जब x बराबर हो तीन के तब हमें फलन ये पढ़ना है। तो x बराबर तीन, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, इस फलन में x का मान क्या रख देंगे दोस्तों, तीन रख देंगे, तो वन प्लस एक्स मतलब वन प्लस तीन, तो टोटल कितना आया, चार आया। कितना आया दोस्तों, x बराबर तीन पर फलन का मान कितना आया, चार आया। अब इसके बाद हम दूसरा बिंदु ज्ञात क्या करेंगे, x बराबर तीन पर दाई सीमा निकालेंगे। तो देखिए दाई सीमा, तो दाई सीमा में क्या निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो f तीन प्लस h, क्या निकालेंगे f तीन प्लस h। तो अब ये देखना है कि दाई सीमा के लिए तीन प्लस एच के लिए, तीन प्लस एच के लिए फलन कौन सा पढ़ना है। तो उसके लिए देखिए दोस्तों यहां तीन में कुछ जुड़ रहा है, तीन प्लस एच मतलब तीन में कुछ जुड़ा, और तीन में कुछ जुड़ेगा तो एक्स का मान तीन से बड़ा होगा। तो जब एक्स का मान तीन से बड़ा है तो तीन से बड़े के लिए फलन देखिए कौन सा काम में लेना है, यहां एक्स छोटा है तीन से और यहां एक्स बड़ा है तीन से, तो तीन से बड़े के लिए फलन कौन सा है दोस्तों, ये रहा, तो ये लेना है हमें फलन काम में। तो सात माइनस एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो सात माइनस, यहां पर एक्स लिखा हुआ है तो हम एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, तीन प्लस एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, तीन प्लस एच लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, गणना करते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, पहले ब्रैकेट के आगे से ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो ब्रैकेट जब हम हटाते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तीन प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का आएगा। देखिए आगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, सात में से तीन गए तो दोस्तों कितना बचेगा, चार बचेगा माइनस h। अब इसके आगे इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो अब हम अंत में क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे। तो लिमिट रखेंगे तो रख दीजिए दोस्तों चार माइनस जीरो, तो क्या निकल के आया, दाई सीमा का मान क्या निकल के आया, चार निकल के आया। दाई सीमा का मान कितना निकल के आया, चार निकल के आया। अब देखिए आगे, देखिए दोस्तों नंबर तीसरा बिंदु क्या निकालेंगे हम, बाई सीमा, क्या निकालेंगे बाई सीमा, बाई सीमा में हम क्या निकालते हैं, लिमिट, देखिए दोस्तों यहां मैंने लिखा था बाई सीमा, लिमिट h टेंस टू जीरो f तीन माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू जीरो f तीन माइनस एच, ये बाई सीमा निकलेगी। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, अब तीन माइनस एच के लिए, बाई सीमा के लिए हम कौन सा फलन पढ़ेंगे, कैसे पता चलेगा, देखिए दोस्तों तीन में से कुछ कम हो रहा है, तीन माइनस एच का मतलब तीन में से कुछ कम हो रहा है, तो जब तीन में से कुछ कम हो रहा है तो देखिए तीन से कम के लिए फलन कौन सा है, x का मान तीन से छोटा है, x का मान छोटा है तीन से, तो फलन ये वाला काम में लेना है, तो हम ये वाला फलन काम में लेंगे। तो देखिए दोस्तों मान रखें इसके अंदर वन प्लस एक्स लिख रहा है, एक्स के स्थान पर हमें क्या लिखना है, तीन माइनस एच लिखना है। अब इसके बाद इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक प्लस तीन चार हुआ माइनस एच। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो अंत में हम क्या करते हैं, लिमिट रख देते हैं। तो लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा,
चार माइनस जीरो मतलब चार आ गया। तो आप देखिए दोस्तों एक्स बराबर तीन पर फलन का मान कितना आया, चार। एक्स बराबर तीन पर दाई सीमा का मान कितना आया, चार। और एक्स बराबर तीन पर बाई सीमा का मान कितना आया, चार। तो देखिए दोस्तों मैं यहां पर साइड में लिख रहा हूं, चूंकि एफ तीन बराबर दाई सीमा बराबर बाई सीमा, तीनों आपस में बराबर हैं, चूंकि फलन बिंदु तीन पर एक्स फलन का मान दाई सीमा और बाई सीमा तीनों ही परस्पर बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि एक्स बराबर तीन पर फलन संतत है, एक्स बराबर तीन पर फलन संतत है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले का डी है, एफ एक्स बराबर में साइन एक्स, ये तब है जब एक्स का मान माइनस पाई बाई टू से बड़ा हो लेकिन जीरो के बराबर या जीरो से छोटा हो। और दूसरा फलन है टेन एक्स, ये तब पढ़ना है जब एक्स का मान जीरो से तो बड़ा हो लेकिन पाई बाई टू से छोटा हो। देखिए दोस्तों हमें इस फलन इस सवाल में एक्स बराबर जीरो पर संतता की जांच करनी है। तो देखिए दोस्तों संतता की जांच करने के लिए हम तीन बिंदु ज्ञात करते हैं। सबसे पहला बिंदु एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान मतलब एफ जीरो। दूसरा बिंदु क्या ज्ञात करोगे, एक्स बराबर जीरो पर दाई सीमा, और दाई सीमा क्या निकलेगी दोस्तों, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ। यहाँ पर ए प्लस एच लिखते हैं लेकिन यहाँ पर किस बिंदु पर जांच कर रहे हैं, हम जीरो पर जांच कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच। और तीसरा बिंदु हम क्या निकालते हैं, बाई सीमा, क्या निकालते हैं दोस्तों, बाई सीमा। बाई सीमा में हम क्या निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ। यहाँ पर a माइनस एच लिखते हैं तो वो x बराबर a पर होता है लेकिन यहाँ पर हम x बराबर जीरो पर जांच कर रहे हैं तो जीरो माइनस एच लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों x बराबर जीरो पर अब हम सत्यता की जांच करते हैं, ये तीनों बिंदु ज्ञात करने हैं हमें। सबसे पहला बिंदु निकाल रहे हैं हम x बराबर जीरो पर f जीरो। तो देखिए दोस्तों एक्स बराबर जीरो के लिए फलन कौन सा काम में लेना है, आप गौर से देखेंगे दोस्तों, एक्स के साथ बराबर का साइन, देखो जीरो के साथ बराबर का साइन यहां लगा हुआ है, एक्स बराबर है जीरो के, तो जब एक्स जीरो के बराबर है तब हमें फलन कौन सा पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है। तो रख दें यहां पर एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे दोस्तों, जीरो रखना है। आप जानते हो साइन जीरो का मान क्या होता है दोस्तों, जीरो, तो साइन जीरो का मान जीरो आ गया। तो एक्स बराबर एक पर एफ जीरो का मान कितना आया है, जीरो आया है। अब दूसरा बिंदु देखिए दाई सीमा, दूसरा बिंदु हम क्या निकालेंगे, दाई सीमा। दाई सीमा में देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। तो अब यहां पर देखेंगे जीरो में कुछ जुड़ रहा है, जीरो में कुछ जुड़ने का मतलब मान एक्स का जो हुआ वो जीरो से ज्यादा हो गया भाई, कोई अब इसमें जीरो में आप कुछ जोड़ रहे हो तो जोड़ने का मतलब ये हुआ कि ये मान एक्स का जो मान है वो जीरो से बड़ा हो गया। तो एक्स का मान जीरो से बड़ा, देखो कौन से वाले फलन में है, देखिए यहाँ पर एक्स छोटा है जीरो से और यहाँ पर एक्स बड़ा है जीरो से, तो बड़े के लिए फलन ये वाला काम में लेना है। तो क्या काम में लेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन, आप x के स्थान पर क्या लिखोगे, 0 प्लस h का मतलब क्या होता है दोस्तों, h ही होता है, तो tan h लिख दिया। अब इसमें कुछ भी कैलकुलेशन सॉल्व करने को है नहीं, तो चूंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन सॉल्व करने को नहीं है तो आप सीधी लिमिट लगा सकते हो। लिमिट लगाओगे तो क्या लिखेंगे, tan 0, और tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो tan 0 का मान 0 हो गया। अब तीसरा बिंदु बाई सीमा, तीसरा बिंदु बाई सीमा, बाई सीमा में देखिए दोस्तों लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस एच, क्या निकालेंगे हम, लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस एच। तो देखिए दोस्तों इसमें हम बाई सीमा में क्या देखिए, आगे देखिए जीरो में से कुछ कम हो रहा है, हम फलन कौन सा काम में लें, इसके लिए कैसे पता करें, तो जीरो में से कुछ कम हो रहा है, तो जीरो में से कुछ कम हो रहा है, तो देखिए जीरो से कम के लिए फलन देखो
एक्स छोटा है जीरो से, तो फलन हमें ये वाला काम में लेना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, जीरो रख